गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड बायोलॉजी और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मैक्रोमोलिकुलर्स और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बॉन्ड्स स्टेबलाइजिंग वेरियस प्रोटीन कन्फॉर्मेशंस। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं कि कई प्रकार की जो प्रोटीन होती है, आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर 50,000 से 1,00,000 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, इनके बीच में जुड़ने के कारण जो बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कौन कौन से बॉन्ड होते हैं और ये कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्यों बनते हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद में हम जो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहला बॉन्ड है हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? देखिए, प्रोटीन आप जानते हो कि एक कार्बनिक चीज है, कार्बनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और कार्बनिक मॉलिक्यूल में कार्बन के साथ साथ में बहुत सारे अदर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फेट या कुछ और भी तत्व जुड़े होते हैं, है ना। तो ये चीज इनके साथ जुड़ी होती है। अब इनमें जो मेजर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में अगर हम देखे जाएं, जैसे मान लीजिए ये कार्बन 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 कार्बन, मैंने यहाँ पर आपके सामने 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाए। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये इनके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होगा। इन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर पर मान लीजिए एक या दो तो ऑक्सीजन हो सकती है, एक या दो हो सकता है, एक या दो मात्र, एक या दो कुछ और जैसे सल्फर हो या कुछ फास्फेट या फास्फोरस ग्रुप और कुछ भी हो सकता है, लेकिन बची हुई चीज वहां पे है वो होता है हाइड्रोजन। इसको समझने के लिए एक दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए ये है, आप इनको देख कर बता सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बड़ी मात्रा में है। उसके अलावा यहाँ पर मैं अगर IUPAC नाम करने की जो पद्धति है उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। जैसे यहाँ पर जो एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप के जो नाम होते हैं उनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी संख्या में कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उनकी संख्या से दोगुने से भी दो ज्यादा होते हैं, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर यहाँ पर हम बात करें एल्कीन की, ठीक है, एल्केन ग्रुप की बात करें तो वहां पर क्या होता है CnH2n। तो इस ग्रुप में देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, जितने संख्या में कार्बन होते हैं उससे दुगने हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और बात करें एल्काइन की, मतलब जिन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वहां पर देखो फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जितनी संख्या में कार्बन होते हैं उससे दुगने हाइड्रोजन होते हैं, बस दो कम होते हैं। कार्बन की संख्या मान लीजिए कार्बन की संख्या 10 है तो हाइड्रोजन कितने, 20 में से दो कम मतलब 18 है, तो फिर भी यहाँ पर हाइड्रोजन बड़ी संख्या में है। अब यहाँ पर अगर बड़ी संख्या में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक हल्का सा अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो अट्रैक्शन फोर्स किस वजह से होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो हाइड्रोजन होता है उसका हम यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एक प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है, ओनली वन प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, और एक ही पाया जाता है इसके अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। और यहाँ पर इसकी जो संयोजकता है, इस जो कक्षक एस कक्षक होता है इसकी संयोजकता दो की होती है। अगर ये पूरा दो भरा रहता है तो ये पूरी तरह से स्थाई माना जाएगा, लेकिन ये स्थाई तो है नहीं क्योंकि एक है, तो ये कहीं कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचने की कोशिश करता है, तो खींचे कहाँ से, जो इसके जब नजदीक होगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके उनमें बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है, तो हाइड्रोजन ये यहाँ से यहाँ पर जो ई है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन सिर्फ अट्रैक्ट खींचता ही है, चिपका कर नहीं रख सकता बड़ी मात्रा में, ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ये इसी से जुड़ा हुआ है
और ये भी किसी सी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता तो क्या है, भरी हुई है पहले से, लेकिन यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक हल्का सा बॉन्डिंग बन जाती है। वो बॉन्डिंग परमानेंट नहीं लेकिन एक दूसरे को खींचे रखती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक बॉन्ड बन जाता है सभी हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड वहीं पर बनता है जहाँ पर हाइड्रोजन बड़ी मात्रा में मौजूद रहता है। ये आप जल के अंदर भी देख सकते हैं, जल के अंदर क्या होता है, HOH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से हम एक जल के अणु को इस तरह रख दे उल्टा, तो क्या होगा, ये दो नजदीक हो जाएंगे, ये भी नजदीक हो जाएंगे, इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, इन दोनों एक दूसरे से पकड़े रखता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जल के अणु हैं, जैसे मान लो एक HOH इस तरह से, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर HOH इस तरह से, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे को पकड़े रखते हैं, और यहाँ पर जो बड़ी मात्रा में जल है पृथ्वी पर, वो सारे सारे जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से जो पानी है ये लिक्विड फेज में है, लिक्विड फॉर्म में है, नहीं तो ये गैसियस फॉर्म में होता। आप जानते हो हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, सबसे हल्की गैस है, और ऑक्सीजन भी एक गैस है, दोनों गैसें मिलकर एक लिक्विड बना रहे हैं, इसका कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड हटा दिया जाए इनमें से, तो ये गैस बन के उठ जाएगा इस पृथ्वी से, और जीवन समाप्त हो जाएगा, बायोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। इस बायोलॉजी के एग्जिस्टेंस के पीछे सबसे बड़ा अहम रोल है वाटर, इस H2O का, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड की, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन की। तो दीज आर इंट्रैक्शन बिटवीन द नॉन पोलर साइड्स चेंज ऑफ न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। तो ये पाए जाते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड्स की, जिनमें एक तरह से पोलर नॉन पोलर अट्रैक्शन होता है। देखो पोलर अट्रैक्शन और नॉन पोलर अट्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो देखिए क्या होता है, यहां पर जो प्रोटीन है वो न्यूक्लिक एसिड के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और प्रोटीन के अंदर कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो पोलराइज्ड होते हैं। पोलराइज्ड मतलब जिनके अंदर किसी एक आयन के प्रति सेंसिटिविटी होती है, वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा वो है प्रोटीन जिसके अंदर पोलराइजेशन होता ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, या तो हाइड्रोजन होंगे या कोई दूसरे और मॉलिक्यूल होंगे जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, ऑटोमेटिक होता है, खासकर जल के अणुओं के बीच में होता है। जल आप जानते हो कि यहाँ पर जो प्रोटीन है उनके साथ जल एक तरह से क्रिस्टलाइन फॉर्म में जुड़ा रहता है, तो वो जो वाटर है उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ठीक है। तो एक तरह से ये भी क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचे रखता है, जुड़े नहीं रखता, खींचे रखता है बस, एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स महसूस होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉन्ड्स। देखिए दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड एंड पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप NH3+ ऑफ बेसिक एमिनो एसिड्स। तो यहाँ पर देखिए COO- और NH3+ ये ग्रुप जिन एमिनो एसिड के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और इनके बीच में ये ग्रुप पाए जाते हैं, उनके बीच में इस तरह का जो फोर्स लगता है, इनके बीच में फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉन्ड बनेगा, इस तरह से आयनिक बंध बनेगा इनके बीच में। आयनिक बंध वैसे बहुत कम बनते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन यहाँ पर बनता है। तो ये तीसरा हो जाएगा एक तरह से इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉन्ड, ठीक है। और नेक्स्ट हम चौथे उसकी बात करते हैं, तो ये वांडरवाल्स फोर्सेस। वांडरवाल्स
फोर्सेस। देखिए इसके पीछे क्या कारण है वान डर वाल्स फोर्सेस के पीछे। दीज आर नॉन कोवेलेंट एसोसिएशंस बिटवीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप्स डेवलप्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डिप डाइपोल्स। तो यहाँ पर इनके बीच में कोई आयनिक बॉन्ड नहीं होता, कोई संयोजक बंध नहीं होता, लेकिन जब किसी ग्रुप के ऊपर एक ही ग्रुप के ऊपर पोल बन जाते हैं, मतलब एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये NaCl है, ठीक है, न्यूट्रल है, कुछ हो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दें जहां पर Na के पास तो प्लस आयन और Cl के पास माइनस आयन साथ में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये नेगेटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं है जुड़ने के बाद भी, इनके पास फिर भी चार्ज बचा हुआ है। तो यहाँ पर इनके बीच में मान लीजिए क्या होता है, ये ऐसा कब होता है, देखिए मान लीजिए एक ग्रुप है जो हाईली पॉजिटिव चार्ज है, ये हाईली पॉजिटिव चार्ज है, हाईली पॉजिटिव, और एक दूसरा ग्रुप है जो लो नेगेटिव चार्ज है, मतलब मान लीजिए अगर हम इनको हम एक संख्या में लेकर देखें, इसके पास में 10 पॉजिटिव आयन है और इसके पास में 5 है, जब ये दो रिएक्शन करेंगे तो जुड़ तो बहुत मजबूती से जाएंगे, लेकिन 10 वाले के पास में एक्स्ट्रा चार्ज फिर भी बचा हुआ होगा, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज क्या करेगा, अपने आसपास पोलराइजेशन दिखाएगा। तो ये जब कोई दूसरा माइनस, मान लो पॉजिटिव वाले के पास में पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे तो माइनस वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो अट्रैक्ट कैसे करेगा, जुड़ा हुआ तो है तो अपनी दीवारों के पास में एक तरह से अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा, जिसकी वजह से जो उसके पास में आएगा उसको अपनी ओर खींचेगा, मतलब एक तरह से इसको बोलते हैं वान डर वाल्स फोर्सेस। ये फोर्स होता है जो किसी के साथ रिएक्शन तो नहीं कर पाता, कारण क्या कि रिएक्शन करने के लिए इसके पास में गुंजाइश नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन जरूर दिखाता है ये, तो वो अट्रैक्शन सभी प्रोटीन्स को और इनको बांधे रखता है, खींचे रखता है कि भाई छोड़ के मत जाओ, दूर नज़दीक ही रहो। तो ये होते हैं वान डर वाल्स बॉन्ड्स, ठीक है, तो ये भी प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। जो प्रोटीन है उनके फंक्शन, मतलब क्या क्या कार्य हैं इनके, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, देखिए प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर 50 से 100,000 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब हर एक प्रोटीन का अलग काम होता है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला काम है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का, ऐसे प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, एक जगह से एक तरह के केमिकल को या सूचनाओं को या फिर और भी चीज़ों को लेकर बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम ये काम करते हैं, और वहां से कोई और चीज़ को लेकर दूसरे पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे बहुत सारे एंजाइम हैं जो अलग अलग ग्लैंड से रिलीज होते हैं और उनका काम शरीर के अलग अलग भागों में होता है, तो वहां जाकर वो अपना काम करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक मास्टर ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम पीयूष ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, ये पीयूष ग्लैंड के अंदर बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे शरीर के अलग अलग भागों में होती हैं, जैसे भूख लगना पेट का काम है, लेकिन दिमाग में जो पीयूष ग्रंथि है वो इसको कंट्रोल करती है, तो वहाँ से हार्मोन रिलीज करती है, ये हमारे पेट में पहुँचता है, वहाँ जाकर उन सभी एक्टिविटीज़ को बड़ी तेज़ी से चालू रखता है और ये हमारे शरीर पेट को खाली करने का काम करते हैं, ठीक है। सांस लेने का काम है, सांस लेने का काम फेफड़ों का है, लेकिन इसको कंट्रोल करता है हमारे शरीर में जो ये पिट्यूटरी नहीं ये पीयूष ग्लैंड है, ये काम करता है, एक तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, तो ये ऑटोमेटिक होती रहती है। इसके अलावा और दूसरे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई का
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाहर निकालने का काम करती है। तो ये कैसे करती है, फेफड़ों में जाती है हीमोग्लोबिन, वहाँ से जो फ्रेश एयर होती है उसके अंदर से ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके अपने साथ जोड़ लेती है उस ऑक्सीजन को, और वहाँ से लेकर जाती है शरीर के सभी भागों तक, मतलब अलग अलग सभी कोशिकाओं तक पहुँचती है। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ में रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और वहाँ से जो कार्बन बाहर निकलता है उस कार्बन को से रिएक्शन करके हीमोग्लोबिन बना लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। उस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को जो ब्लड के साथ मिक्स होके ये फिर से पहुँचता है फेफड़ों में, फेफड़ों में ये काम होता है इसको फिर से ब्लड जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में कार्बन को अलग करने का। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल कर फेफड़ों के बाद में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है, और फिर से वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन फ्री हुई थी उसके साथ में फिर से ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेती है। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अलग अलग भागों में, ठीक है। तो ये काम होता है एक तरह से ट्रांसफर प्रोटीन का, मतलब ट्रांसपोर्ट का ये काम होता है, अलग अलग शरीर की बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ, जैसे हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक पानी पहुँचाने का काम है, ठीक है, और भी बहुत सारे पोषण होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हम भोजन के द्वारा, श्वास श्वसन के द्वारा, पानी के द्वारा या बहुत सारी और चीज़ों के द्वारा हम इनको ग्रहण करते हैं। तो शरीर के जिन भागों में उनकी ज़रूरत होती है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, उनको भी हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में जैसे मसल्स बनते हैं तो उसके लिए प्रोटीन्स, अलग तरह की प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो वो प्रोटीन हो सकता है हमारे भोजन में मौजूद हो तो वहाँ से लेकर शरीर को प्रोवाइड करवाएगा, अगर नहीं भी हैं तो हमारे जो भोजन में पोषक तत्व हैं उन तत्वों से उस प्रोटीन का निर्माण करने के बाद में उस प्रोटीन को शरीर के विभिन्न अंगों तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं शरीर के विभिन्न अंग, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का। अब देखिए इसी के अंदर एक टॉपिक है ATP पावर्ड पंप्स। अब ATP पावर्ड पंप्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोगुआनिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक ग्रुप होता है। ये क्या काम करता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑक्सीजन पहुंच रही है ना, उसका यूज करके, ये कोशिकाओं के अंदर होती है खासकर रिएक्शन, तो उसका यूज करके हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जैसे प्रोटीन है, सैकेराइड्स है, मतलब ग्लूकोज है, लिपिड्स है, उन सब का यूज करके ऑक्सीजन के साथ में वहाँ से जो एनर्जी है उसको रिलीज करने का काम करता है, मतलब ऊर्जा मुक्त करने का काम करता है। वो ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में वो सारी मेटाबॉलिक नॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए काम में आती है। तो एक तरह से ये क्या है, ये एक तरह से फ्यूल है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के लिए एक तरह से रॉ फ्यूल है। रॉ फ्यूल मतलब ऐसा फ्यूल जिसको सीधे काम में लिया जा सके, ठीक है। जैसे पेट्रोल डीजल एक इंजन के लिए काम में आते हैं, तो एक तरह से एक क्रूड फ्यूल होता है जो बाहर निकल जाता है। तो क्रूड फ्यूल एक तरह से हमारे शरीर के अंदर वो है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक, खाना खाते हैं, ये क्रूड फ्यूल है। अब इसको सेपरेट करने का काम करते हैं तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलती है, जैसे प्रोटीन, लिपिड, सैकेराइड्स, ठीक है। तो उनको वो जाकर कन्वर्ट होते हैं ATP में, ठीक है, और ATP काम करता है फिर एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक तरह से हमारे शरीर की क्या हो गया, पावर हाउस हो गया एक तरह से, और ये हमारे शरीर के हर एक कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया पाया जाता है, उसके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप जिसको बोलते हैं, दीज ATP फेज अंडरगो रिवर्सिबल फोटोसिंथेसिस फॉस्फोरिलेशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर ये फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर जो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है उसको फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। और दूसरा है वी टाइप का क्या होता है, दीज ATP फेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिफाई इंटरसेल्युलर कंपोजिशन इन मैनी ऑर्गेनिजम्स बाय पंपिंग प्रोटीन्स इनटू दिस सेल। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका पाचन करना जरूरी है, तो उसके लिए एसिड की ज़रूरत होती है। तो ये जो एक तरह से होता है, ये प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर एसिड प्रोवाइड करने का काम करते हैं ताकि भोजन है उसका आसानी से पाचन हो जाए और उसमें से आसानी से ऊर्जा निकाली जा सके। थर्ड है एफ टाइप,
The catalyst reversible protein transport accompanied by ATP synthesis from ADP and phosphate group. Thus they are also called ATP synthesis. तो यहाँ पर देखिए जो F टाइप के हैं ये एक तरह से reversible proton transport ATP synthesis protein होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं phosphate के साथ में जुड़कर automatic photosynthesis करने का काम भी कर सकते हैं, और उसके अलावा ये कैटलिस्ट बनाने का काम भी करते हैं, मतलब एक तरह से उत्प्रेरक का काम भी करते हैं, बायो कैटलिस्ट जिसको हम एंजाइम बोलते हैं, एंजाइम प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोटीन है वो है चैनल प्रोटीन। इस चैनल प्रोटीन को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।